इंदौर के बहुचर्चित भैयू महाराज आत्महत्याकांड में पुलिस को अंततः सफलता मिल ही गई। लगातार 5 महीने से पुलिस इस जांच में जुटी थी कि भैयू महाराज जैसे राष्ट्र संत द्वारा आत्महत्या क्यों की गई। अभी तक जितने भी बयान हुए उनके आधार पर पुलिस की जांच जारी थी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बयान रहा डॉक्टर आयुषी का, जिन्होंने इस पूरी साजिश की पोल खोली और बताया कि सेवादार विनायक दुधाले, शरद देशमुख और युवती पलक द्वारा साजिश रची गई थी और पहले पलक को वहां पर नौकरी दिलाई गई और भैयू महाराज उसे बेटी की तरह मानने लगे। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे उस युवती ने भैयू महाराज से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई और उन्हें घेरे में लिया और इस साजिश में शामिल थे सेवादार विनायक दुधाले और शरद देशमुख। यह भी कहा जा रहा है कि इन्होंने युवती के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची थी जिसमें भैयू महाराज की संपत्ति हड़पना भी शामिल था। जब दाती महाराज का प्रकरण हुआ तो इन दोनों की शह पर युवती ने भैयू महाराज को धमकी दी थी कि 16 तारीख डेडलाइन रहेगी, यानी 16 तारीख तक भैयू महाराज उस लड़की से शादी कर ले और नहीं तो वह दाती महाराज स्टाइल में भैयू महाराज के खिलाफ पुलिस में दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखा देगी। इस पूरे मामले के बाद भैयू महाराज इतना अधिक डर गए कि उन्होंने अंततः खुद को गोली मार ली। यह भी कहा जाता है कि विनायक दुधाले भैयू महाराज को ओवरडोज देता था दवाइयों के, जिसके कारण भी उनका मानसिक संतुलन लगातार बिगड़ता चला गया। कहा यह भी जा रहा है कि युवती और विनायक दुधाले तथा शरद देशमुख द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया और इसी साजिश को अंजाम देते हुए यह कोशिश की गई कि भैयू महाराज को पूरी तरह से शिकंजे में ले लिया जाए। उल्लेखनीय है कि जब डॉक्टर आयुषी से भैयू महाराज ने शादी की तो पलक द्वारा उनके निवास पर जाकर हंगामा किया गया था और उन्हें धमकियां भी दी गई थी। कुल मिलाकर भैयू महाराज एक भयानक साजिश का शिकार हुए और राष्ट्र संत का ऐसा अंत हुआ कि जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।